अराउंड 7 PM वी हैड रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन पे इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड करके और जो बाकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज है उनको भी हमने हमारे कमांड रूम के थ्रू इन्फॉर्म करके हमने इंश्योर किया कि यहाँ पे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट होना है वो चीज स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे इस रोड पे भी काफी वाटर लॉगिंग था और एट द सेम टाइम जो इसका एडजॉइनिंग बिल्डिंग है जिसमें ये पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जिसके बेसमेंट में एक लाइब्रेरी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चलता था उसमें भी फ्लडिंग हो गया। इसके एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था, बट यू कैन इमेजिन कि व्हेन अ बेसमेंट फुल ऑफ फर्नीचर एंड अदर थिंग, मतलब जो 12 फीट के करीब डेप्थ होगा और करीब अराउंड 3,500 स्क्वायर फीट का एरिया होगा बेसमेंट का, तो उसमें जब पूरा पानी भर गया तो कुछ स्टूडेंट्स वहां से भागने में सफल हुए और कुछ की ट्रैप होने की इन्फॉर्मेशन आई। तो हमने जो एनडीआरएफ के डाइवर्स हैं उन्होंने काफी मशक्कत करके, क्योंकि इन कंप्लीट डार्कनेस दे हैड टू ऑपरेट एंड द वाटर वाज आल्सो वेरी डर्टी नॉट क्लियर एट ऑल और जो फर्नीचर वगैरह है वो फ्लोट करने लगता है उसमें, तो दे हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बट दे आर प्रोफेशनल डाइवर्स एंड दे मैनेज टू रिट्रीव टू बॉडीज सो फार एंड वी हैव सेंट देम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर लीगल एक्शन। रेस्क्यू ऑपरेशंस आर स्टिल अंडर वे, द वॉटर इज बींग पम्प्ड आउट, द सर्च टीम्स एंड रेस्क्यू टीम्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर वर्क। देर इज स्टिल अबाउट 7 फीट ऑफ वॉटर इन द बेसमेंट, पंपिंग से कम हो रहा है बट अभी भी 7 फीट के आसपास है, तो उसमें भी अभी भी हमारे डाइवर्स वगैरह जो है एनडीआरएफ के काम कर रहे हैं। ऑल द रेस्क्यू सर्विसेज आर वर्किंग इन a tandem and we are trying to make sure that we do this as fast as possible. It is my request to especially the student community ki is yahan par aakar rescue services ko hamper na kare. We share their pain but coming here to this spot is not the solution to any problem at all. Usse rescue services aur further hamper honge और डिलेज होंगे, तो वो इस बात को समझें और अभी यहां पर सीन पर आकर किसी तरह का गैदरिंग ना करें। हम टाइम टू टाइम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो बाकी चीजें होंगी उसके अपडेट भी हम देते रहेंगे।